IMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं, और जब मामला तीन तलाक का हो तो फिर ओवैसी कैसे पीछे रह सकते हैं। तीन तलाक के मामले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने भड़कते हुए एंकर से कह दिया कि मुझे जोश मत सिखाइए, बल्कि जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछकर दिखाइए। बता दें कि इस दौरान का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो गया है, जिसमें ओवैसी से जब एक एंकर सवाल पूछती हैं तो उन्होंने भड़कते हुए ऐसा कह डाला है। आपको बता दें कि एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि आपने सुना है तो जोश के साथ आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। तब ओवैसी ने कहा हाँ। फिर इसके बाद एंकर कहती हैं, मैं तो बस इतना कह रही हूँ। तब ओवैसी कहते हैं, मैडम मुझे आपसे जोश सीखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों में सवाल और उत्तर होते हैं, तभी ओवैसी ऐसा बोल जाते हैं। गौरतलब है कल यानी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर फैसला सुनाते हुए इस पर 6 महीने की रोक लगा दी है, साथ ही संसद से इस मामले पर कानून बनाने को कहा है। SPN 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।